रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे मुकुल, आओ बेटा, बैठो बैठो। मम्मी, मोना कहाँ है? मोना बाहर गई है, लेकिन तुम तो बैठो। आओ बेटा बैठो। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह भी जानती हूँ। ये वजह वो सवाल है जो तुम्हारे जहन में घूम रहा है और अभी तक तुमने मोना से पूछा नहीं। मम्मी, अब सच कह रही है? आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जो मोना ने मुझे बताने से इनकार कर दिया? मैं जानती हूँ उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। आप जानती है? हाँ, और वही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज बता दीजिए क्या लिखा है, बहुत परेशान हूँ सोचकर। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज बताइए ना क्या लिखा है रिपोर्ट में। मुकुल बेटा, मोना कभी मां नहीं बन सकती। यही लिखा है रिपोर्ट में। मम्मी आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम मोना का दुख समझने की कोशिश करो। देखो, एक औरत के कई रिश्ते होते हैं, बेटी का, बहन का, पत्नी का, लेकिन इन सबसे ज्यादा सुख उसे माँ के रिश्ते में मिलता है, क्योंकि वो रिश्ता सबसे श्रेष्ठ होता है। उसका सृजन वो खुद करती है। मेरी बेटी का दुर्भाग्य देखो, चाहते हुए भी मां नहीं बन सकती। मम्मी, क्या इस रिश्ते के आगे पिता के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है? क्या मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकूंगा? शायद तुम्हारा दुख जानकर मोना ने तुमसे ये बात छुपाई। लेकिन क्यों मम्मी, उसने ऐसा क्यों किया? मम्मी, क्या मेरा और उसका दुख अलग अलग है? पति हूं उसका, साथ फेरे लिए हम दोनों ने, सुख दुख निभाने की कस्में खाई है हमने, फिर मोना ने ये फैसला कैसे कर दिया कि इस दुख को अकेले झेलेगी? शायद तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं, 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 गलत कह रही है आप। सच तो यह कि माँ के रिश्ते में वो इस तरह उलझ गई है कि पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत को भूल गई है। समझ नहीं पाई कि पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। नहीं समझ पाई, समझ नहीं पाई कि पति पत्नी एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं है। देखो मम्मी, यह सच है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मोना, मम्मी मेरी मोना ने मुझसे ये बात छुपाई। बड़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं जाकर अपनी एक सहेली को मिलकर आऊं। सोच रही थी क्यों कह रही हो? कहो कि सोच लिया था। हाँ, मैं चाह रही थी कि मैं जाकर ममता की तबीयत देखूं। हाँ, ममता से जरूर मिलकर आओ। वैसे किस तरफ रहती है तुम्हारी सहेली, किस तरफ जा रही हो तुम? क्यों पूछ रहे हो? लो, अब मैं तुमसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम किस तरफ जा रही हो। तुम तो बुरा मान गए, क्या हो गया तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को? शिवानी, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन
तुम में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। शिवानी, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जिस तरफ तुम जा रही हो, अगर मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ देता हूँ मैं। तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं चली जाऊंगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम में जरूर कुछ बदलाव आया है। कबीर, मुझ में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, तुम किधर जा रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम किधर जा रहे हो। नहीं, पहले तुम बताओ। कह रहा था ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम में बदलाव आ गया है शिवानी। तुम्हारा भी लू पटक गया इस बात पर कि मुझ में बदलाव आ गया है। मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मुझे नॉर्थ जाना है और तुम्हें साउथ जाना हुआ, तो तुम साउथ जाना कैंसिल करके मुझे छोड़ने के लिए नॉर्थ जाओगे। नहीं, आज तो खास करके चाह करके भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा हूँ। कुछ हाथ लगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि केस कितना इंटरेस्टिंग है। हेलो, मैं कौशल्या बोल रही हूँ। नहीं, हाँ है। हो सकता है। हाँ मुकुल बेटा, मोना कभी माँ नहीं बन सकती। हेलो मोना, मुकुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो? घर छोड़कर गई हो, पूछती हो क्या हुआ? मुकुल, मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। मोना, मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों मुकुल? क्योंकि मोना, मुझे पता चल गया है तुम्हारे घर छोड़ने की वजह क्या है। मुकुल, तुम्हें इस बारे में कभी पता नहीं चल सकता है। मुझे पता है मोना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुकुल, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता चले। मोना, तुम बेवकूफ हो। मोना, ये भी कोई वजह है घर छोड़कर जाने की? मेरे लिए ये वजह काफी है। काफी नहीं है मोना। क्यों काफी है? अगर हमें बच्चे नहीं हो सकते तो इसमें हमारा क्या दोष है? टर्मिनल, हमारा क्या दोष है? ये तो भगवान की मर्जी है मोना। मेरी कमी को भगवान की मर्जी मत कहो मुकुल। मोना प्लीज, मोना तुम में कोई कमी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मोना, तुम में कोई कमी नहीं है। खामा खा अपने आप को दोष मत दो। माना कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन इतने भी पसंद नहीं है कि उनकी वजह से मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं। मोना, तुम्हें छोड़ दूं? मुकुल, मेरी वजह से तुम बाप नहीं बन सकते हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोना प्लीज, मोना, मोना। वैसे ऐसा तो होता ही रहता है। अभी नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, वैसे मैं अभी बाहर जा रही हूँ, 4 घंटे में लौट आऊंगी। शायद आसपास कोई है। हाँ, वो तो होता ही रहता है। लेकिन मैं चलता हूँ। हाँ, हेलो, कोई आसपास था क्या? हाँ, कबीर था। हाँ, मुझे लगा ही कि कोई है। आपने फोन क्यों किया? पहले तुम्हारे दिल की धड़कनें नॉर्मल तो होने दो, फिर बताती हूँ। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो कबीर चला गया। देखो अलीजा, मैंने और भाऊ साहब ने मिलकर ये सोचा है कि जिस काम के लिए तुम्हें
अंबिका की जगह भेजा गया है, वो काम अब शुरू करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से करनी है? हमारा पहला शिकार है ममता, लेकिन वार कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये मैं फोन पर नहीं पर्सनली तुम्हें मिलकर बताना चाहती हूँ। ठीक है। मत रो बेटा, मत रो। मोना बेटा देख, आंसू इंसान को कमजोर बना देते हैं। मैं क्या करूं मां, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। सच जाने के बाद मुकुल की क्या हालत हो रही होगी मां? मुकुल बच्चों से बहुत प्यार करता है, उसने हमारे बच्चों का नाम भी सोच रखा है मां। बेटा इंसान सोचता कुछ है और कुछ और हो जाता है, शायद इसी को नसीब कहते हैं। हम और नसीब की मारी बस बस मैं ही हूं। और नहीं, ऐसे मत कह, भगवान के आगे तो इंसान को झुकना ही पड़ता है ना। मुकुल आ बेटा बैठो, मैं अभी आती हूं। हालत बना ली तुमने अपनी, सब कुछ मुझे पहले ही बता देती। अरे मेरी खुशियों के खातिर तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो, ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। सब कुछ जानने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए और जगह बन गई है। मैं अपनी बेबसी कैसे बताती कि मेरी वजह से तुम्हारे सारे सपने टूट गए। तुम बच्चा चाहते हो और मैं सुनो मुन्ना, मुन्ना जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसका इल्जाम तुम अपने सर पे क्यों ले रही हो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो शायद मुन्ना इसी में कोई भलाई छुपी होगी। नहीं, ये सारी बातें तसल्ली देने के लिए होती है। सच तो यही है ना कि मैं तुम्हारे खानदान का चिराग नहीं जला सकती। मुना तो क्या हुआ, मुना क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मुना, हम प्यार की रोशनी में जी लेंगे, बस तुम घर लौट आओ। नहीं मुकुल, अगर मैं वहां आऊंगी तो मुझे अपनी कमियों का एहसास होगा। मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है मोना, ठीक है, अगर तुम कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हो रह लो, लेकिन मोना एक बात सिर्फ याद रखना, मेरे दिल के मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। प्लीज जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूं। आयशा, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मालूम है, बहुत बार कह चुके हो। तो फिर मेरे प्यार को कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण, प्यार में शुक्रिया, सॉरी, ये सब बिल्कुल नहीं चलता है। आयशा, अब तुम कुछ बोलने की कोशिश मत करो। अब मैं तुम्हारे आंखों में पढ़ रही हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और अगर देख सकते हो तो पढ़ो मेरी आंखों में, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू।
अब ये तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? तुम बहुत भोले हो। मैं ये सोच रही थी, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली तब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी। लेकिन करण, तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार गई, बिल्कुल हार गई। तुमने अपने आप को कितना बदल डाला मेरे लिए, क्या कुछ नहीं किया तुमने, सब कुछ, ना रंग ढंग, सब कुछ बदल दिया तुमने। आयशा, ये सब भी तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। हाँ, लेकिन रोहन भैया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, रोहन भैया, इसका मतलब तुमने कुछ किया ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना कि रोहन भैया बहुत एक्सपीरियंस्ड है, निर्देशन उनका है, बाकी सब कुछ तो मैंने किया। सचमुच बुद्धू हो तुम। शायद इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। अच्छा, हेलो, ये हमारी प्यारी सी बहू इतना गुमसुम चुपचाप खामोशी क्यों बैठी है? कुछ नहीं डैड, बस बैठे बैठे बोर हो रही थी। क्या बात कर रही हो, मेरे होते हुए तुम बोर हो रही हो, कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए क्या किया जाए? चुटकुला सुना, बहुत बढ़िया, मसालेदार, चटपटेदार, नहीं शेर सुना? बिल्कुल मौजू शेर है, सुनिए। आपने तस्वीर भेजी, हमने देखी गौर से, हर अदा अच्छी, खामोशी की अदा अच्छी नहीं। अच्छा ये बताओ, वीडियो फिल्म मंगाओ, दोनों बैठ के देखेंगे। तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? कुछ मंगाओ, बाजार से मंगाओ। नहीं, घर के बच्चे अगर इस तरह खामोश बैठेंगे तो हमारा आलम क्या होगा? और फिर तुम्हें मैंने कभी अपनी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी समझा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे, हंसती रहे, खिलखिलाती रहे। कह शीतल, क्या हुआ? शीतल, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबराई हुई हो जैसे जैसे किसी भूत को देखकर आ रही। मैंने जो कुछ भी देखा है ना, वो किसी भूत को देखने से कम नहीं था। मैंने क्या देखा जानते हैं? तारी माँ को देखा। तारी माँ को?